माघ मेले के प्रथम स्थान पौष पूर्णिमा पर सायं 4 बजे तक लगभग 7,75,000 लोगों ने मेला क्षेत्र में बनाए गए संगम के घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था रहने से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। मेला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार को सुबह 10 बजे तक लगभग 5.5 लाख, 12 बजे तक 5,80,000, 2 बजे तक 6,60,000 तथा 4 बजे तक 7,75,000 श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने देर रात से ही मेला क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई। मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल, पुलिस विभाग के आला अधिकारी, मेलाधिकारी, अपर मेलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में रहते हुए सभी सेक्टरों एवं घाटों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई। इस वर्ष श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने के लिए जल निगम द्वारा वाटर ATM के रूप में किए गए अभिनव प्रयोग का सभी श्रद्धालु फायदा उठा रहे हैं। आज पौष पूर्णिमा के पावन स्नान पर्व पर हर वाटर ATM से लगभग 1,000 श्रद्धालुओं ने पीने का पानी लेते हुए लाभ उठाया। इस वर्ष माघ मेले के विभिन्न सेक्टरों में 10 वाटर ATM लगाए गए हैं। इन वाटर ATM के माध्यम से 1 रुपये में श्रद्धालु 1 लीटर पानी ले सकते हैं। सभी ATM पर 3 प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं। टैप नंबर 1 से 1 रुपये में डिस्पोजेबल ग्लास में पीने का पानी लिया जा सकता है। टैप नंबर 2 में से 1 रुपये में 1 लीटर पानी निकालते हुए अपनी बोतल भरी जा सकती है तथा टैप नंबर 3 में से QR कोड के माध्यम से 1 रुपये का पेमेंट किया जा सकता है। सभी वाटर ATM पर सहायक भी उपलब्ध हैं। माघ मेला में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए NDRF के जवान संगम तट पर विभिन्न घाटों पर तैनात किए गए हैं। पिछले वर्ष की भांति इस बार भी NDRF की 2 टीमें VIP घाट, संगम नोज, अरैल घाट तथा राम घाट आदि पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा में संगम पर तैनात हैं। इसके अतिरिक्त NDRF की मेडिकल टीम VIP घाट पर निःशुल्क उपचार के लिए मौजूद है। NDRF की 2 टीमें जिसमें प्रत्येक में गोताखोर, पैरामेडिकल, डीप डाइविंग सेट, लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय व अन्य आधुनिक बचाव उपकरण, 12 वोट्स और लगभग 75 बचाव कर्मियों के साथ प्रमुख घाटों पर तैनात किए गए हैं। पौष पूर्णिमा पर उप महानिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा 11 NDRF ने आगामी महाकुंभ को देखते हुए त्रिवेणी संगम के विभिन्न घाटों का दौरा किया तथा ड्यूटी पर तैनात अपने जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।